Hello guys, welcome to Achieve IAS. My name is Ayush Methi. In this video we are going to discuss the questions of 19 September. Detailed discussion करेंगे हम with additional information for your revision. चलिए start करते हैं हमारे पहले question से without wasting any time. Choose the correct option. करेक्ट ऑप्शन बताइए. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द टर्म माइनॉरिटी इज़ मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो टर्म है माइनॉरिटी ये मेंशनड है. बिल्कुल सही. द टर्म माइनॉरिटी इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बिकॉज द टर्म माइनॉरिटी इज़ मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. प्लीज़ रीड आर्टिकल 29 और 30 अनुच्छेद 29 और 30 को पढ़िए ज़रूर. उसमें माइनॉरिटी टर्म को मेंशन किया गया है बट इट इज़ नॉट डिफाइंड. इसकी व्याख्या, इसका अर्थ नहीं बताया गया है हमारे संविधान के अंतर्गत. तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन. इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए. आर्टिकल 23 इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 32 हमारे संविधान का बेसिक फीचर है. बिल्कुल सही. पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स. पार्लियामेंट, हमारा संसद, एम्पावर कर सकता है किसी और कोर्ट को ताकि वो जितने भी तरह के रिट्स हैं वो इशू कर सके. नाउ बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टिल यू हैव टू लर्न दैट आर्टिकल 32 इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट द रिट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं रिट इशू के लिए अपने फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग. यही पावर, रेट पावर, आर्टिकल 226 में हमारे हाई कोर्ट्स को भी मिली हुई है. फ़र्क दोनों में बहुत है. फ़र्क मैं आपको बताऊंगा. फ़र्क बता देता हूं. पहले देख ले आर्टिकल 32 अब सुप्रीम कोर्ट की रेट पावर की बात करता है. आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की रेट पावर की बात करता है. पर सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 रेट पावर है वो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए ही रिट्स इशू कर सकता है, अदर लीगल राइट्स के लिए नहीं कर सकता. बट हाई कोर्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं है. हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर बोथ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज लीगल राइट्स. तो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की पावर इस सेंस में, रिट पावर मैं कहूँ, काफ़ी बड़ी है. हाँ, रिट पावर हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले बड़ी है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट टेरिटोरियल जुडिक्शन, जब मैं टेरिटरी की जुडिक्शन की बात करता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट की पावर थोड़ी बड़ी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में किसी भी पर्सन, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिट इशू कर सकता है. बट हाई कोर्ट्स ऐसा नहीं कर सकते. हाई कोर्ट्स कैन डू दैट बिकॉज हाई कोर्ट्स की टेरिटोरियल जुडिक्शन पावर लिमिटेड है. वो अपने स्टेट के अंदर ही रिट इशू कर सकते हैं. अपने स्टेट के अंदर ही जो गवर्नमेंट है, जो पर्सन है, जो अथॉरिटी है, उसमें ही, उसके खिलाफ ही, उसके लिए ही रिट्स इशू कर सकता है. बट स्टिल अगर एक्शन का जो कोज है वो स्टेट के अंदर हो और उसका रिजल्ट कहीं स्टेट के बाहर आया हो तब भी वो रिट पावर इशू कर सकता है. बट ओवरऑल मैं बोलूँ तो टेरिटोरियल जुडिक्शन स्टिल सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी बड़ी है और कॉमन सेंस की बात है कि होनी भी चाहिए. लेकिन मैं और तरीक़ों से बात करूँ तो फंडामेंटल राइट्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब एक कह सकते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट की पावर नहीं है, ये ड्यूटी है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू करने से. बट आपके जो हाई कोर्ट है वो 226 आर्टिकल में डिस्क्रिशनरी पावर, इसकी मना कर सकता है. हाँ बिल्कुल, हाई कोर्ट्स जो है रिट इशू करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए मना कर सकता है. डिस्क्रिशनरी पावर है. हाई कोर्ट्स में रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुडिक्शन. बट सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता. उसकी पावर ही नहीं बल्कि ये ड्यूटी है. तो सुप्रीम कोर्ट को इसलिए डिफेंडर और गारंटर कहा गया है फंडामेंटल राइट्स का. इसलिए हाई कोर्ट्स को फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर और गारंटर नहीं किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है. हाई कोर्ट नहीं तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करूँगा, आप तुम मेरी शरण में आओ. तो हमारा उच्चतम न्यायालय इस बात की जो है गारंटी देता है अनुच्छेद 32 के अंदर, ये याद रखिएगा. और क्या बताना है आपको, ठीक है. और मुझे याद नहीं आ रहा है अभी. रेट पावर पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत. रेट पावर के बारे में कुछ याद आएगा तो आपको बताऊंगा. ये बेसिक चीज़ है जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है. तो पार्लियामेंट जो है वो किसी भी कोर्ट को हाँ एम्पावर कर सकता है रिट्स इशू करने के लिए. लेकिन इसमें अदर कोर्ट जो लिखा हुआ है इसमें हाई कोर्ट नहीं आते क्योंकि हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी रिट पावर है. तो पार्लियामेंट इशू कर, जैसे पार्लियामेंट ने कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आज से रिट इशू करेंगे तो वो कर सकते हैं. नथिंग कॉम्प्लेक्स इन दिस. तो यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट बताना था और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आंसर इज़ डी. करेक्ट ऑप्शन बताइए, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम रेयर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बैक्टीरिया से होती है जब बॉडी के अंदर चला जाता है और हार्मफुल टॉक्सिन रिलीज करता है, बिल्कुल सही। कावासाकी डिसीज बीमारी है जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिसीज से होती है जब ब्लड वेसल्स फूलने लगता है और 5 साल से छोटे बच्चों में यूजुअली होती रहती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, साइंस का क्वेश्चन है, सी यहाँ पे इसका आंसर होगा। Article 14 states the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. State किसी भी पर्सन को इक्वालिटी के लिए डिना नहीं कर सकता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमेशा रहेगा हमारी टेरिटरी में, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें जो पर्सन है उसका, उसमें कौन कौन इंक्लूड है, तो चारों इंक्लूड है, सिटीजन, नॉन सिटीजन, स्टेट्यूट, कॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड सोसाइटी पढ़ा होगा अपने एंगल 14। तो आर्टिकल 14 जो है याद रखिएगा, रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चन डाला था और आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट, अनटचेबिलिटी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल सही। अनटचेबिलिटी मेंशन है, अनटचेबिलिटी मेंशन है, और आर्टिकल 17 तो कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी को। डिफाइंड नहीं है, वो समझदारी है हमारे संविधान के मेकर्स की, निर्माताओं की, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, बिकॉज अनटचेबिलिटी कैसे भी निकल के आ सकती है ना। आप ये देखो कि अनटचेबिलिटी हज़ारों सालों से है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि एक तरह की प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए तो फिर अनटचेबिलिटी चली गई, नई तरह की भी आ सकती है। तो दिस इज़ दी, यू कैन से द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स टू मेक इट ओपन, और कोर्ट्स अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं जैसी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेल होंगी उस टाइम पर। अनटचेबिलिटी इसलिए मैंशनड है और प्रोहिबिट करने के लिए बोला, किसी भी फॉर्म में, इन एनी फॉर्म। आर्टिकल 17 प्रोहिबिट करता है, फॉरबिड करता है अनटचेबिलिटी को, एनी फॉर्म, हालांकि डिफाइंड नहीं है। इसके लिए पार्लियामेंट में एक्ट भी लाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इसमें भी अनटचेबिलिटी का डिफाइंड नहीं किया गया, मैंशन तो है। हालांकि सोशल बाइकआउट अगर आप करते हो कुछ इंडिविजुअल्स का, वो अनटचेबिलिटी में नहीं आता, जैसे रिलीजियस ग्राउंड्स पे कर देते हो ना आप कई बार कि यार ये लोग हमारे रिलीजन के अंदर नहीं आते तो इनको कुछ एक्टिविटीज़ जो है अलाउ नहीं है, तो ठीक ये अलाउ है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक तरीके से अगर आप फोर्स मामले में देखें, मतलब एक हिस्टोरिकल सेंस के रूप में देखें जिसमें कुछ लोगों को जन्म के वजह से ही कुछ डिसेबिलिटीज़ इम्पोज की जाती है उन पर, सोशल डिसेबिलिटी जो इम्पोज की जाती है बर्थ की वजह से, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। उसी प्रैक्टिस की यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट बात करता रहता है। अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिस्क्वालीफाइड फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, बिल्कुल। अनटचेबिलिटी के अगर ऑफेंस आपने किया तो आप पार्लियामेंट में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, यू आर डिस्क्वालीफाइड फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19 इंक्लूड्स, आर्टिकल 19 में जो फॉर्म एसोसिएशन फॉर्म करने की आपका मौलिक अधिकार है, राइट है, उसमें कौन कौन सी और राइट भी इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी। अजम्पशंस कौन कौन से, लीगल राइट्स, इसमें फंडामेंटल राइट्स और कौन कौन से। पहला जो हमारा है वो है राइट टू ऑब्टेन रिकग्निशन ऑफ एसोसिएशन, आप जो एसोसिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको रिकग्निशन पाना आपका हक है, नहीं ऐसा कोई हक नहीं है। सेकेंड है राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन, हाँ ये है, उस एसोसिएशन के साथ चलते रहना, कंटिन्यू करना, ये आपका हक है, हाँ स्टार्ट करना आपका हक है, कंटिन्यू करना आपका हक है, लेकिन उसका रिकग्निशन, समझ रहे हो ना। आप बोलोगे मैं पॉलिटिकल पार्टी खोल लूँगा कल, और नहीं खोलने दिया, मान लो आपकी एलिजिबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी या फिर आपकी जो कुछ भी जो कंडीशंस है वो एलिजिबिलिटी है ही नहीं, मान लो कुछ कंडीशंस है जो आपने पूरी की नहीं पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट थोड़े जाओगे कि आर्टिकल 19 का मेरा वायलेशन हुआ, नहीं। रिकग्निशन आपको कंडीशन के हिसाब से मिलेगा, आपका मौलिक अधिकार नहीं है, दिस इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, लेकिन आप स्टार्ट जरूर कर सकते हैं। अगर आपको जो है रिकग्निशन मिल गया उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता, दिस इज़ योर फंडामेंटल राइट, ये आपको समझना पड़ेगा। मौलिक अधिकार आपका स्टार्ट करना है, उसके साथ कंटिन्यू करना है, नॉट टू ऑब्टेन रिकग्निशन, रिकग्निशन ऑब्टेन करना आपका अधिकार नहीं है, और स्ट्राइक करना भी अधिकार नहीं है। जो वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते हैं वो भी आर्टिकल 19 में नहीं आता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में स्ट्राइक करना आपका अधिकार नहीं है, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। राइट टू स्ट्राइक डज नॉट केम अंडर द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये अप्रोप्रिएट जो है फिर लॉ के साथ जो है वो डील होता है, अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ होता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर रखा है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में करेक्ट ऑप्शन बताइए। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, बिल्कुल सही। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जानते हैं ना आप, बताऊँगा अभी मैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि इसका अचीव करना ऑब्जेक्टिव वो है कि टीबी फ्री इंडिया विद जीरो डेथ, जीरो डिसीज एंड जीरो पॉवर्टी ड्यू टू टीबी, बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है? देखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसमें स्टेट और सेंटर मिलके पैसा लगाते हैं। हालांकि इंप्लीमेंट स्टेट कर सकता है, लेकिन मिलके पैसा दोनों लगाते हैं, भाई भाई की जैसे। सेंट्रली सेक्टर में वो स्कीम होती है जिसमें पूरा पैसा आपका जो है केंद्र सरकार अपनी जेब में से निकाल के लाती है। सो ये फ़र्क एक याद रखिएगा। और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, इसको थोड़ा आप याद रखिएगा। गोल जो है प्रोग्राम का वो है कि टीबी फ्री इंडिया करना है, 0 डेथ डिसीज और 0 पॉवर्टी के साथ, जो टीबी की वजह से होती। अच्छा, टीबी के अच्छा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आगे बढ़ते हैं। टीबी के बारे में कुछ बताता हूँ आपको। टीबी 2020 का थीम था हमारा, जो वर्ल्ड टीबी डे था, इट्स टाइम। और वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट लाता आपका WHO, नेशनल भी रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट भी आती है अपने देश की। वो कौन निकालता है? मिनिस्ट्री कौन सी हो सकती है? दिमाग लगाओ, वो तो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है, ठीक है। एक सेंट्रल टीबी डिवीज़न है मिनिस्ट्री के अंदर, वो निकालता है अपनी एनुअल टीबी रिपोर्ट। और इस सेंट्रल टीबी डिवीज़न ने ही रिपोर्ट निकाली है। और एक सिस्टम भी बनाया, निक्षय सिस्टम टीबी के लिए, निक्षय सिस्टम टीबी के लिए, WHO के साथ मिलकर और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर निक्षय सिस्टम। निक्षय सिस्टम आ जाए क्वेश्चन में, किसके साथ जुड़ा हुआ है? टीबी के साथ जुड़ा है, ट्यूबरक्लोसिस के साथ जुड़ा हुआ है। ये ना पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट करता है, किस तरीके से संभालना है, क्या डिटेल है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है डिजिटली ये काम कर रहा है। 2025 तक इंडिया टीबी को ख़त्म करना चाहता है। और टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, और एयर से ट्रांसफ़र होता है, पर्सन टू पर्सन हो जाता है। सिम्टम्स आपको पता ही है, खांसी जुकाम बुखार, और ट्रीटेबल है। 6 महीने का कोर्स होता है, 4 एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स आपको दिए जाते हैं। और ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है, और टीबी 2025 तक हम ख़त्म करना चाहते हैं। हाँ, WHO ने कैंपेन चलाया था, एंड टीबी, फाइंड, ट्रीट ऑल, ये सब टीबी हारेगा देश जीतेगा, हमारे देश का कैंपेन है। और टीबी के लिए हाँ, टीबी दो तरह के, अच्छा हाँ, टीबी क्यूरेबल तो है, लेकिन टीबी ना दो तरह के हो गए। एक तो ड्रग रेसिस्टेंट का मतलब समझो पहले। ड्रग रेसिस्टेंट क्या होती? कोई भी बीमारी ड्रग रेसिस्टेंट तब होती है जब वो ड्रग को रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देती है। इतना ड्रग यूज़ ले लेते हैं उसको इलाज करने के लिए, ठीक हो जाती है, लेकिन एक टाइम पे आके वो ड्रग से रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, फिर नई दवाई लानी पड़ती है, उसके लिए नए ड्रग लाना पड़ता है, तो बीमारी ड्रग रेसिस्टेंट कही जाती है। ऐसे ट्यूबरक्लोसिस के 2 ड्रग रेसिस्टेंट निकल के आ गए फॉर्म। एक तो वो है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है एक तो। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है ना, उनके साथ इसको जो है ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, ये जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी होता है, इसके अंदर आप फर्स्ट लाइन ड्रग के साथ इसको ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड लाइन जो मोस्ट पावरफुल ड्रग्स होते हैं उनके साथ इसको ट्रीट कर सकते हो। सो इट इज़ क्यूरेबल, इसका इलाज संभव है, ट्रीटेबल है। लेकिन एक होता है एक्सक्लूसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। उसमें क्या होता है कि वो फर्स्ट लाइन ड्रग से तो देखो आपका इलाज मल्टी ड्रग जो रेसिस्टेंट टीबी था उसका नहीं हो सकता, तो इसका तो हो ही नहीं सकता। एक्सक्लूसिवली जो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है उसका तो फर्स्ट लाइन ड्रग से हो ही नहीं सकता। दिक्कत की बात यह है कि इसका जो सेकंड लाइन मोस्ट पावरफुल ड्रग्स होते हैं, जो इमरजेंसी में यूज़ में आते हैं, उनका भी इलाज ये नहीं कर, उससे भी इलाज ये नहीं होता इसका। और क्यूरेबल, ट्रीटेबल मुश्किल हो जाती है कई बार इसकी वजह से, और ठीक ये नहीं हो पाता है। तो कभी कभी जो है केसेस ये ठीक नहीं हो पाते। एक्सक्लूसिवली ड्रग रेसिस्टेंट जो टीबी होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 2025 तक हम टीबी ख़त्म करना चाहते हैं। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है हमारा टीबी के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। और ये 2017 से 2025 तक जो है हमारा चल रहा है। और 2025 तक ख़त्म करना चाहते हैं, हम मैं बता ही दिए आपको। और ठीक है, तो चीज़ें याद रखिए, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 2012 में टारगेट निकल के आए थे 6 न्यूट्रिशन टारगेट कप, जो कि मैटरनल, इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन के लिए थे। तो 2025 तक इनको अचीव करना है, याद रखिए। ब्लू हार्ट कैंपेन UN का किसके लिए है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए है, ऑप्शन A बिल्कुल सही है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बारे में डिटेल में आपको दे देता हूँ। देखिए, ब्लू हार्ट कैंपेन क्वेश्चन आएगा किससे एसोसिएटेड है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। किसने शुरू किया? UN। तो 2 क्वेश्चन आपको यहीं से निकल के आ गए। ब्लू हेलमेट के बारे में सुना है आपने? वो अलग है, वो अलग चीज़ है। ब्लू हेलमेट ना UN की पीस कीपिंग फोर्स होती है, सुना है आपने? हर कंट्री यूनाइटेड नेशन की या तो फाइनेंशियल रूप में दे दे, वो तो देना ही पड़ता है, फाइनेंशियल रूप में कुछ पैसा देती है, या फिर कुछ कंट्री वॉलंटरी रूप से, बाइंडिंग नहीं होती, इच्छा से, डिज़ायर से एक अपनी फोर्स जो है UN में भेजती है। और बहुत सारी कंट्री मिलकर ऐसा करती है ताकि UN की खुद की फोर्स बने, जो कहते हैं पीस कीपिंग फोर्स, उनको कहते हैं अपन ब्लू हेलमेट या ब्लू हेरेट। वो फोर्स जो है शांति का काम करती है। हालांकि आप कह सकते हैं कि फोर्स है नाम और शांति की बात हो रही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इनका जो है पीस के लिए होता है कि अलग अलग कंट्री में जाके जो ड्रॉट आती है, वार आती है या कुछ भी ऐसा जो डिज़ास्टर आता है, मैन मेड डिज़ास्टर हो, तो उनको जाके यहाँ पे थोड़ी मदद मिल जाती है। ब्लू जो हेलमेट्स होते हैं यहाँ पे UN की जो पीस कीपिंग जो फोर्सेज होती हैं, आप फोटो देख लीजिए नेट पर, ब्लू हेलमेट पहनते हैं उनके, इसलिए उनको ब्लू हेलमेट कहते हैं। ब्लू हेलमेट पीस कीपिंग फोर्स है वो UN के। पैसा सबको देना पड़ता है, लेकिन फोर्स हर कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत छोटी कंट्रीज ना, UN में बहुत छोटी छोटी कंट्रीज भी होती है, उनके पास खुद की फोर्स नहीं होती, तो कैसे देंगी। तो वॉलेंटरी ये फोर्स देना, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द UN पीस कीपिंग फोर्स मिशंस। पैसा भी देते हैं और पैसा बहुत सारी कंट्रीज देती हैं। पैसा देना तो बाइंडिंग है, लेकिन ये जो पीस कीपिंग फोर्स है वॉलेंटरी रूप से दे सकते हो, अगर आपके पास तो आपके पास कैपेबिलिटी है, इफ़ यू हैव द पावर। अच्छा, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का नाम सुना है? फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्या होता है? जब किसी भी अर्थक्वेक डिजास्टर या फिर मान लो कि कोई भी एक केसेस हो गए, मोस्टली अगर मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करूं तो सबसे पहले जो न्याय दिलाने काम करते हैं, बच्चों की मदद करते हैं, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट आगे रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो न्याय की बात करते हैं सोसाइटी में, मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिविस्ट आप कह सकते हो, जो एक्टिव रहते हैं उनको फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट यही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कोई भी हो सकता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जो भी कोई ऐसा डिजास्टर आता है उसमें जो सबसे पहले मदद करता है लोगों की और न्याय पूरा दिला के तो उसको कहते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर। किसी भी केस में हो सकता है ये, ठीक है। और ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हमारा आर्टिकल याद है आपको? आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में याद है ट्रैफिकिंग से रिलेटेड? आर्टिकल आपका है 23। आर्टिकल 23 आपका प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड है एंड फोर्स लेबर। याद रखिएगा आर्टिकल 23 पढ़िएगा, ये हमारा ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है इस आर्टिकल में कि जो स्टेट है, सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो कंपलसरी सर्विस यहाँ पे पब्लिक पर्पज के लिए जो है अलाउ कर सकती है कि भाई यहाँ पे हम फोर्स लेबर तो नहीं कर सकते। इस आर्टिकल के अंदर किसी को ज़बरदस्ती लेबर की तरह काम तो नहीं करवा सकते, क्योंकि ट्रैफिकिंग के लिए और फोर्स लेबर के लिए मना कर रखा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर किसी भी इमरजेंसी में सोशल सर्विस के लिए, स्टेट मिलिट्री सर्विस के लिए भी स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो इम्पोज कर सकती है कंपल्सरी सर्विस पब्लिक पर्पज के लिए किसी भी आदमी पे। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास पे, लेकिन हो सकता है ये। तो फ़र्क याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं चलेगा ना। तो फोर्स लेबर याद रखिएगा और ट्रैफिक याद रखिएगा। आर्टिकल 23 में हमारा प्रोहिबिट किया गया है फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मौलिक अधिकार है हमारा आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नहीं तो आज मैं सितंबर 20 की वीडियो बना दूंगा। थोड़ा लेट चल रहा हूँ, माफ़ कीजिए, लेकिन थोड़ा काम रहता है, क्वेश्चंस वगैरह भी डालने पड़ते हैं टेलीग्राम पे और कोई भी टेस्ट बनाने पड़ते हैं, तो माफ़ कीजिए, चलते रहेंगे, ठीक है। गुड बाय।